सर पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में सर एक महिला और उसके परिजनों पर सर एक युवती ने बंधक बना के सर या नशीला पदार्थ देके सर बलात्कार का आरोप लगाया। सर क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जिस प्रकरण के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये 28 जुलाई को एक अभियोग पंजीकृत किया गया है बल्लभपुरम थाने पर। एक महिला जो कि स्वयं को बरेली की निवासी बताती है, उसके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसने ये कथन किया है कि एक स्थानीय महिला और उसके बेटे और उसके देवर के द्वारा जो है उसको घर में बुला करके, और उसका आना जाना वहां पर था, लेकिन उन्होंने घर में बुलाया और बुला करके उस नशीला पदार्थ दे करके उनके साथ में इन लड़कों ने जो दुष्कर्म किया है, उस महिला ने उसमें सहयोग किया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और साक्ष्य के अनुसार विवेचना की जा रही है। सर सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि ये जो महिला है भाजपा की पदाधिकारी है, क्या पूरा मामला है सर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आरोपी किसी भी उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो, तो निष्पक्ष रूप से हम कार्रवाई करते हैं, सबके लिए एक ही कानून है। लेकिन फिर चूंकि आपने पूछा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जानकारी की गई है और ये जो आरोपी है और इसके परिवार के सदस्य, इनको इनके बारे में जानकारी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अब तक की मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। मैंने इसमें स्थानीय भाजपा के पदाधिकारियों से भी बात करी है और उन्होंने यही अवगत कराया कि इनके पास किसी प्रकार का दायित्व नहीं है, ये कोई पदाधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार का जो दुष्प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसका खंडन किया जाना चाहिए, निष्पक्ष रूप से विवेचना होगी, जिसने भी ये कृत्य किया है और साक्ष्य के अनुसार इसमें कार्रवाई।